मार्वल अपने कॉमिक से बहुत सारे कैरेक्टर्स को एमसीयू में लेके आ रहा है। ऐसा ही एक कैरेक्टर है वेयरवुल्फ। तो आज हम करेंगे वेयरवुल्फ बाय नाइट के ट्रेलर का ब्रेकडाउन। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज आर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर देना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधे मेन टॉपिक पर। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि शो की थीम ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, क्योंकि ये शो हैलोवीन स्पेशल है और मार्वल अब नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है अपने शोज के साथ, तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो पहले ट्रेलर के हिसाब से इसकी स्टोरी की बात करें तो अपने लीडर की मौत के बाद कुछ हंटर्स एक टेम्पल में आते हैं। इस टेम्पल का नाम है ब्लड स्टोन टेम्पल, जहाँ पे उन सभी हंटर्स को एक पावरफुल रैलिक के लिए कॉम्पिटिशन करना है, जहाँ उनके सामने होगा एक डेंजरस मॉन्स्टर। ट्रेलर की स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो ब्लड स्टोन हंटर्स हैं, और आगे के कुछ शॉर्ट्स में कुछ और लोगों को भी दिखाया जाता है जो हंटर्स हैं, यानी कि ये वही लोग हैं जो वेयरवुल्फ का शिकार करने आए। और इन्हीं में से एक कैरेक्टर है जैक रसल, जो इस शो का हीरो है, यानी कि वेयरवुल्फ। वेयरवुल्फ बाय नाइट में हमें जैक रसल की स्टोरी देखने को मिलेगी, जो एक वेयरवुल्फ है। जैक वेयरवुल्फ अपने डैड की वजह से बना था, क्योंकि उनको एक कर्स था और वही कर्स इनकी फैमिली में कंटिन्यू होता रहा, जिसकी वजह से जैक अपने 18th बर्थडे पे वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो गया। जैक की मॉम ने उसे मरते वक्त बताया था कि उसके फादर भी एक वेयरवुल्फ थे, जिन्हें कुछ हंटर्स ने सिल्वर बुलेट से मार दिया था। और ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि जैक इस सीरीज में ब्लडस्टोन हंटर से अपने फादर की मौत का बदला लेगा। ट्रेलर के एक शॉट में हम इस लेडी कैरेक्टर को देखते हैं। इस लेडी कैरेक्टर का नाम वेरूसा है, जो विलन है, और ये कैरेक्टर सिर्फ एमसीयू में ही एग्जिस्ट करती है। कॉमिक्स में इस नाम का कोई भी कैरेक्टर नहीं है। यहाँ पे हम दो और कैरेक्टर्स को भी देखते हैं, जिसमें पहली कैरेक्टर है एल्सा ब्लडस्टोन, जो ब्लडस्टोन हंटर है, क्योंकि ब्लडस्टोन फैमिली की जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी हंटर्स हैं, और एल्सा मार्वल के मॉडर्न हंटर्स में से एक है। एल्सा इस फैमिली की यंग हंटर है और ये कैरेक्टर कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करती है। तो ऐसा हो सकता है कि पहले एल्सा जैक से फाइट करे, लेकिन बाद में वो उसकी पार्टनर या फिर लव इंटरेस्ट बन जाए। दूसरा कैरेक्टर है यूलेसिस ब्लडस्टोन, जो एल्सा का फादर है। यूलेसिस कॉमिक्स की मॉन्स्टर हंटर टीम का भी पार्ट रह चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीछे से किसी का हाथ जैक को पकड़ लेता है, और इस कैरेक्टर का नाम है मैन थिंग। अब शॉर्ट में बताऊं तो मैन थिंग एक साइंटिस्ट है, जिसका नाम है डॉक्टर टेड सेलिस, जो एक सुपर हीरो सीरम को रिक्रिएट करके अपने आप में इंजेक्ट कर लेता है। और तभी वो एक ईविल ग्रुप से बच के जा रहा होता है, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी कार एक मिस्टीरियस दलदल में गिर जाती है, और तब वो बन जाता है मैन थिंग। कॉमिक्स में मैन थिंग है नेक्सस ऑफ रियलिटी का गार्डियन है। तो हो सकता है कि इसी कैरेक्टर की वजह से टीवी वाले यहाँ पे नजर आ रहे हैं। खैर यार, मुझे तो यही लगता है। वैसे कुछ और भी हो सकता है कि टीवी वाले किसी और वजह से यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हो। तो वेल यार, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और इस बारे में आपकी क्या थ्योरीज हैं या फिर मुझसे कुछ रह गया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।